हमें एक और तोहफा मिला है जो हमें ही नहीं मिला, ट्रांसपोर्टर्स को, पूरे जम्मू निवासियों, कश्मीर निवासियों को, पूरी यूटी को उन्होंने एक और तोहफा दे दिया। जितना भी आपका टोकन था उसको डबल कर दिया गया, चाहे वो कार है, चाहे वो ट्रेलर है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो बस है, चाहे कुछ भी है, थ्री व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, हमें मजबूर किया जा रहा है। हम सड़कों पे आए तो वो भी हमको मजबूर किया गया। अब कल से हम अपने ट्रक्स और टैंकर्स बंद करेंगे और उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। अगर एसेंशियल कमोडिटीज़ की अगर कमी आएगी तो उसकी जिम्मेदार जो है वो गवर्नमेंट होगी, हमने ट्रांसपोर्टर्स नहीं होंगे, क्योंकि इस दौरान टैक्स भी बढ़ाए जा रहे हैं और डीजल पर सरचार्ज लगाया जा रहा है। और जब हम बोलते हैं कि हमारे रिवीजन, फेयर रिवीजन और फ्रेट रिवीजन क्यों नहीं हुए, तो फिर ये कहा जाता है कि दफ्तर में काम नहीं हो रहा है, दफ्तर, कल हम ट्रांसपोर्ट बंद करने जा रहे हैं। तो ये पोजीशन ना आए, ये कन्फ्रंटेशन ना आए, लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना बने। और अगर अब भी गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनेगी तो फिर हम 3 दिन के बाद अपने ट्रकर्स और बसेस सड़कों में लाएंगे और एक एक करके गाड़ी अपनी जलाएंगे, और जिसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी